हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग वेब ट्रिक्स इन द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MI के टीवी में अपने टीवी को अपडेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यह एंड्रॉयड टीवी है और इसको आप जो है कि बहुत ही आसानी से, जैसे आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं उसी तरह से आप इस टीवी को भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है 4A Pro है या MI का, और इसको मैंने दोस्तों अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ही ख़रीदा है। मैंने इसका रिव्यू वीडियो नहीं डाला है क्योंकि बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अपडेट कैसे करना है इस टीवी को। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है इस टीवी को अपडेट करने में, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से अपडेट करना है। सबसे पहले दोस्तों, यह एंड्रॉयड टीवी है, इसमें आपको अपने फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे ऊपर में जाना है, यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। वाईफाई के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आके अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन का, और उसके बाद यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पे जाना है और यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। सिस्टम अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके डिवाइस का चेक करेगा कि आपके फ़ोन में अपडेट या फिर सॉरी आपके टीवी में अपडेट अवेलेबल है या नहीं। अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो ये आपके सामने दिख जाएगा, और दोस्तों इसको आपको ओके करके अपडेट जो है कि चालू कर लेना है। तो दोस्तों, यह अपडेट हमारा जो है कि होने लगा है टीवी, और यह दोस्तों जितने भी MB का होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपकी टीवी अपडेट हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपको नए नए फीचर्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे जो चीज़ नहीं थे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे नेटफ्लिक्स बहुत सारे टीवी में अभी नहीं आता था, तो नेटफ्लिक्स भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।